वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुमसे कह देना चाहता हूँ एक बढ़िया प्यारी सी बात कि इस एनिमी को मैं बहुत पहले से एक्सप्लेन करना चाहता था पर मेरा टाइम नहीं मिल रहा था। तो हाँ, अब मैं इसके डेली एक्सप्लेन आएंगे, तो वीडियो को इंजॉय करना और वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में मिली बोलती है कि हारुतो तो मुझे ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। हारुतो कहता है, मिली मैं अब कुछ कर भी नहीं सकता, पर मैं चाहता नहीं, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम जब बड़े होंगे तो हम दोनों जब मिलेंगे तो हम दोनों बाप की शादी कर लेंगे। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, चाहे मैं मर भी जाऊँ मैं हमें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है बस का झापे, वो एक लड़की को देखते हैं, अपनी लड़की उसे देख रही होती पर वो नज़र फेर लेती है। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बस का एक्सीडेंट हो जाता है और हारुतो मर जाता है। पर हारुतो कहता है, अगर तुम चाहती हो तभी हम ये करेंगे। मिली कहती है कि हाँ हारुतो, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों बड़े हुए और हम दोनों को शादी करनी चाहिए, सिर्फ हम दोनों ही करेंगे। और तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर दिखाया जाता है हमें एक लड़के को जो कि कहता है आखिर ये सब था क्या। उसे अलग सी मेमोरीज दिखाई दे रही होती है और वो कहता है कि आखिर ये हारुतो है कौन, ये मेरे को सपने जैसा नहीं लग रहा है। तभी वो कहता है, नहीं नहीं मैं अभी अपने घर में था, मेरे को फीवर हुआ था, मेरे को अच्छे से याद है। इतने में दो बंदे आते हैं और एक बंदा कहता है, तुम्हें तो गड्ढे में फेंक देना चाहिए, तुम उड़ गए। तभी दूसरा बंदा कहता है कि उसे परेशान मत करो, उसे फीवर हो रखा है। और उस पार्सल को थोड़ा संभल के, उस पार्सल को हमें पार्सल करने के 10 गोल्ड कॉइन मिले। वो खाना खाते हुए एक बंदा वो कहता है कि हाँ 10 गोल्ड कॉइन आखिर कौन बेवकूफ देता है। तो दूसरा बंदा कहता है कि हाँ पर हमें इससे प्रॉफिट भी तो हुआ है। वो लड़का भी देखता है कि वो खाना खा रहे हैं और फिर उसे वो बंदा सामने वाला कहता है कि तुम यहाँ बैठे हुए बास मार रहे हो, जाओ जाके ना के आओ, तुम यहाँ पे ठीक नहीं लग रहे, तो जल्दी करो यहाँ से फूट जाओ। और वो बाहर आया हुआ होता है, गेट खोलता है और तभी वो चेरी खाने लग जाता है और कहता है कि मेरा नाम रियो है और हारुतो की बस से एक्सीडेंट से मौत हो गई। वो कहता है हारुतो, वो कहता है कि मुझे इससे मतलब नहीं पड़ता, बस मुझे इतना याद है कि मुझे अपनी मॉम का बदला लेना है। और दिखाया जाता है जहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और वो कहता है रियो कि मॉम मेरे ब्लैक हेयर क्यों है। उसकी मॉम कहती है क्योंकि तुम्हारे फादर के थे। तभी रियो कहता है क्या और कोई नहीं है जिसके मेरे जैसे बाल हो। तभी उसकी मॉम कहती है कि हाँ तुम्हारी ग्रैंड मदर के थे और ग्रैंड फादर के भी। तभी रियो कहता है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ मॉम। उसकी मॉम कहती है हाँ मैं तुम्हें मिलाऊंगी। और तभी दिखाया जाता है कि उसकी मॉम का मर्डर हो चुका है और वो ड्रेस पहनता है और सामने कुछ लड़कियाँ आई हुई होती हैं और वो कहती हैं कि इसमें से बास आ रही है, इसमें से पास मत जाना, छोटी लड़कियाँ कह रही होती हैं। और बड़े वाली लड़की कहती है कि हे तुमने किसी को यहाँ देखा। तभी दूसरी लड़की कहती है हे इससे ऐसे पास मत करो, मैं करती हूँ। वो कहती है कि हे मेरा नाम सेलिया है और तुम्हारा रियो, अपना नाम रियो बताता है और कहता है कि गाइस मैंने उस पर्पल हेयर वाली लड़की को नहीं देखा जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। तभी सेलिया कहती है कि गाइस हमारी यहाँ ऐसी मदद तो नहीं होने वाली है, तो हमें कोई और तरीका आजमाना पड़ेगा। इतने में रियो से सेलिया पूछती है कि हमें क्या अजीब लग रहा है रियो। रियो कहता है कि तुम्हारे फटे पुराने कपड़े नहीं लग रहे हैं, इसलिए शायद से हो सकता है कोई विलेज में तुम्हारी मदद ना कर रहा हो। ये बात सेलिया देखती है और पीछे से कुछ लड़कियाँ कहती है कि हमें जाके पैलेस में जाके कपड़े बदल लेने चाहिए। फिर तभी वो लड़की कहती है कि हाँ सेलिया तुम आसपास मैजिक का पता करो, आसपास कोई मैजिक तो नहीं है। तो सेलिया कहती है ये काफ़ी अच्छा आइडिया है और सेलिया अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे मैजिक का पता करती है और उसे सिर्फ रियो में से ही ऑरा दिखाई देता है। तो वो लड़की कहती है सेलिया तुम्हें कुछ मिला। सेलिया कहती है कि रियो में से एक अलग तरीके का मैजिक इस्तेमाल करने की मेरे को शक्ति महसूस हुई है। तो रियो उस बात को देखते हुए अपने हाथ को देखता है और कहता है क्या मैं भी मैजिक इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये ब्लू कलर की आग वही है। और तभी सेलिया उसे एक बैग आगे करके दिखाती है और कहती है तुम्हें इसे लेना चाहिए, तुम्हें हमारी काफ़ी मदद की। और रियो उसे खोल के देखता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉइन होते हैं और वो घर आता है और इतने में उस पर चक्कू से हमला होता है और रियो बच जाता है क्योंकि उसने गले में कॉइन का बैग टांगा हुआ था। और रियो सामने उस बंदे को देखता है और उसे गुस्सा आता है। इतने में वो सामने एक लड़की आ जाती है और रियो के सर पे हाथ रख के कहती है कि मैं तुम्हें कुछ कोड्स बता दूंगी जिस कारण तुम मैजिक इस्तेमाल कर पाओगे। और रियो में कुछ स्ट्रेटजी आ जाती है और वो उससे अच्छे से फाइट करता है
उसका हाथ तोड़ देता है और वो बंदा बेहोश हो जाता है। तो रियो उसे छोड़ते हुए वह बैग के पास आता है, वो बैग हिल रहा होता है। तो रियो उस बैग को खोलते ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा होता है। और वो लड़की कहती है, क्या तुम मुझे पैलेस में ले जाओगे? तो रियो कहता है, आखिर तुम हो कौन? तो वो लड़की कहती है कि पैलेस में मेरे पेरेंट्स हैं। तभी रियो कहता है, क्या तुम किंग की लड़की हो? तो वो लड़की अचानक से सामने देखती है और बेहोश हो जाती है, क्योंकि उस सामने एक मरे हुए आदमी को देख लेती है। तो रियो उस लड़की को बेहोश देखते हुए कहता है कि अब मुझे पैलेस जाना पड़ेगा। तो रियो उसे कंधे पर टांगते हुए पैलेस की तरफ लेके जा रहा होता है, वो उसे लेके जा रहा होता है। तभी लड़की भागते हुए आती है और उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम चीटर हो, है ना, तुम इसे किडनैप करके लेके जा रहे थे। रियो कहता है कि बस इसने मेरे से कहा था। तभी वो लड़की उसकी बात को नकारते हुए कहती है कि तुम उसे लेके जा रहे थे। तभी वो उस पर हाथ फिर से उठाती है और रियो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि बस उसने मेरे से कुछ कहा था। इतने में वो बड़े वाली लड़की उस पर तलवार रखती है और कहती है कि तुम्हें भी हमारे साथ जाना चाहिए। रियो कहता है कि तुम मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। वो लड़की कहती है, ये ऑर्डर है, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो रियो मन में कहता है कि इनसे लड़ने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो मुझे इनके साथ ही जाना चाहिए। तो वो लड़की कहती है कि तुम हमारी इन्वेस्टिगेशन होगी और कुछ भी नहीं। तो रियो कहता है ठीक है, और सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है विलेज का, जहाँ पे उन्हें एक कैदी मिलता है जो कि जिसका हाथ रियो ने तोड़ दिया था। तो दूसरा बंदा एक रेड स्टोन उठाता है और उसे तोड़ देता है, जिस कारण वो बंदा मर जाता है और वहाँ से वो चला जाता है। और दिखाया जाता है रियो को जो कि लटका हुआ होता है पैलेस की कोठरी में, और वहाँ का गार्ड कहता है कि मैं अब तुम्हें सच निकलवाने वाला हूँ, तो सच या तो तुम मुझे बता दो या मेरे को सच निकलवाना आता है। तो रियो कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम ऐसे मेरे से फोर्स नहीं कर सकते। तभी वो रियो पे हमला करता है और रियो की पिटाई होती है, और रियो कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। और दिखाया जाता है सेलिया प्रिंसेस के उठते ही उसे पानी देती है और कहती है तुम्हें इसे पीना चाहिए, और प्रिंसेस उस पानी को पीती है और कहती है, दूसरी लड़की कहती है कि आखिर हुआ क्या था? तो प्रिंसेस कहती है कि मेरे साथ जो लड़का था उसने मेरी मदद की थी, आखिर वो है काम, उसे मेरे सामने लाओ। तभी वो लड़की कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि किंग ने उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा है। तभी वो लड़की कहती है प्रिंसेस कि नहीं, उसे हमें बचाना चाहिए, वो मुसीबत में पड़ जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और गार्ड का आता है। गार्ड कहता है कि तुम सच क्यों नहीं बता देते? रियो कहता है कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो तुम मेरे से क्या ही बुलवा लोगे? तभी वो गुस्से में आता है और फिर से उसे मारने आता है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि ऐसे मत मारो उसे, वो मर जाएगा। तभी वो कहता है कि रॉयल पैलेस के गार्ड से हमारी गलती हुई है, प्रिंसेस किडनैप हुई है, तो मुझे इससे पूछना है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। तो तभी वहाँ पे सेलिया आ जाती है और कहती है, यह हो क्या रहा है? तभी वो कहता है, हाँ मैं इससे थोड़ी सी पूछताछ कर रहा था। तभी दूसरी लड़की कहती है कि इससे ऐसे पूछताछ करने की बात नहीं हुई थी, तो तुम ऐसे क्यों पूछ रहे थे? तो वो कहता है, क्योंकि ये दुश्मन का बंदा हो सकता है, ये सच क्यों नहीं बता देता? तभी वो कहती है कि प्रिंसेस को इसी ने तो बचाया है। ये बात सुन के उसे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहता है कि इसे फिर छुड़ा देना चाहिए। तो रियो फिर नीचे आता है और सेलिया उसे हील करती है, और सेलिया उसे अपने बेडरूम में लेके आई होती है और कहती है कि अब तुम ठीक हो ना रियो? रियो कहता है, शुक्रिया मुझे वहाँ से बचाने के लिए। सेलिया कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हें शुक्रिया नहीं कहना चाहिए, गलती हमारी है कि हमें गलत फहमी हुई। तो रियो कहता है कि नहीं, उसमें गलती तुम्हारी नहीं है। तो सेलिया कहती है कि तुम्हें प्रिंस ने बुलाया है क्योंकि तुमने उसकी बेटी को बचाया, तो हाँ वो चाहती है कि तुम उनसे मिलो। तो रियो कहता है, क्या तुम मुझे सिखाओगी कि किंग से कैसे मिलते हैं, क्योंकि मुझे नहीं आता? तो सेलिया कहती है, हाँ ज़रूर। और रियो सेलिया का हाथ पकड़ता है और पर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है किंग को। किंग के सामने अनाउंसमेंट होती है रियो की, और रियो गेट पैलेस का गेट खुलते ही सामने आ जाता है किंग के, बैठता है बड़े आराम से, और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप गाइस आपको वीडियो देख के मज़ा आया हो, तो वीडियो का लाइक कर देना, और इसी के साथ इसका सेकंड एपिसोड भी मैं जल्दी लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए